हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। अगर पानी की जरूरत है तो कुआं तो खोदना ही पड़ेगा, लेकिन वो कुआं को समय से पहले खोल सबसे बेहतर रहेगा। अगर अभी पानी चाहिए, अभी सोचो कि पानी हमको उपलब्ध हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अगर सोची सदा सुखी, पहले सोच लीजिए जीवन में आबाद रहेंगे। होता क्या है कि हम एक एक दिन जो है कल के भरोसे पे और ये किस्मत के भरोसे पे छोड़ते जाते हैं। देखेंगे हमारा किस्मत में क्या है। तो हाथों की लकीरों में लिखा है जो तकदीरों में, तो बदलने के लिए हाथ की लकीर बदलना पड़ता है, तो किस्मत की लकीरें अपने आप बदल जाती हैं। हमें सामने पानी रखा है, पानी का बोतल, लेकिन प्यास लगी है, लेकिन इसको उठा करके ढक्कन खोलना बहुत जरूरी है, तभी आपके पानी जो है आपकी प्यास बुझा सकती है। लगता है कि आपको लगता है कि धीरू भाई अंबानी 60 ईयर्स के एज में सबसे रिचेस्ट पर्सन कैसे बन गए, टाटा रतन सबसे रिचेस्ट पर्सन कैसे बन गए, आपको सोचने में ऐसे ड्रीम जैसा दिखता है। लेकिन आप ही 60 तक पहुँचते पहुँचते कुछ नहीं कर पाते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं जिंदगी से, अपने काम से। देखिए, काम तो सभी लोग करते हैं, लेकिन काम को करने के लिए आपके जो दो आँखें हैं 10 आँखें करनी पड़ती है, दो पैर तो 10 पैर के काम करना पड़ता है। प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, ये दो चीज आप हमेशा अपने दिमाग में चलाते रहिए। अब जो भी काम करना है, जिसे आपको डाई बनाना है, तो डाई बनाने से पहले आप डायग्राम अपने दिमाग में प्रोग्रामिंग करके रख लीजिए कि डाई ऐसा बनाएगा तो ऐसा हो जाएगा। और कोई बिजनेस करना है तो आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग पहले से चलना चाहिए, बाद में चलना चाहिए। प्रोग्रामिंग हमेशा चलना चाहिए। लैट्रिन में जाइए, प्रोग्रामिंग करते रहिए, बाथरूम में जाइए, भगवान के मंदिर में जाइए। आपका जो फोकस है, आपका जो एम है, जो टारगेट है, उद्देश्य है, उस पर हमेशा प्रोग्रामिंग करते रहिए कि आपको लाइफ में क्या करना है, तो जरूर आप सक्सेस होंगे। आप जब यहाँ पर आते हो और बात कहीं और का सोचते हो तो लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं होते। एजुकेशन तो हर जगह पर फेंका हुआ, न्यूज पेपर से भी एक दो मैटर आप मालूम कर सकते हो। रोड पर कहीं से साइन बोर्ड लिखा होगा, कुछ नेम प्लेट है, वहाँ से पढ़ के कुछ अवार्ड सीख सकते हो। तो पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, देखिए जिंदगी आपको चांस देती है, हर आदमी को चांस देती है, लेकिन कोई लोग प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, फेलियर हो जाते हैं। और कुछ लोग प्लानिंग उसके हिसाब से भागेंगे तो अच्छा रहेगा, और जितना भागिए वो मार्क करते जाइए। नहीं तो चूहे और खरगोश की कहानी आपने सुना होगा, ज़्यादा तेज बनने वाले लोग बुढ़क जाते हैं, और जो अपने लाइफ में धीरे धीरे अपने फोकस की तरफ बढ़ते जाते हैं, अपने टारगेट की तरफ बढ़ते जाते हैं। जितेंद्र मांझी का आप नाम सुना होगा कि जो उसकी बीवी जो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दम तोड़ देती है, तो झारखंड का जितेंद्र मांझी ने छेनी हथौड़ा से और झारखंड में पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना दिया। आप क्या नहीं कर सकते मेरे भाई। जिंदगी में पहले सोचिए कि हमको क्या करना है और उसके हिसाब से प्लान कीजिए, प्रोग्राम कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। शायद इसमें